चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी या जीव विज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चंस खत्म कर चुके थे, अब देखने वाले हैं 101 से। श्वसन मूल मिलती है आपकी जूसिया में, क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? शकरकंद है, मूली है, आलू नहीं है आपका, गाजर भी है, तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन, दूसरे का सी होगा। क्वेश्चन है तीसरा, आओ स्तंभ में मूल पाई जाती है, आओ स्तंभ में मूल पाई जाती है आपकी गन्ने में, किसमें? गन्ने में। क्वेश्चन है चार, जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें विकसित होती हैं, तो याद रखना मूलांकुर से, क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है पांचवा, गाजर है एक जड़, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है छठवा, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, स्तंभ मूल, क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल, सी ऑप्शन सही होगा। सातवां क्वेश्चन है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो याद रखना जड़ रहती हैं। क्वेश्चन है हमारा आठ, आलू का खाने योग्य भाग कौन होता है? आलू का खाने योग्य भाग होता है तना, क्या होता है? तना। क्वेश्चन है नौ, क्वेश्चन है आपका नौवा, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार होता है, पर्णकार स्तंभ द्वारा, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है दसवा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो याद रखना आपका आलू एक तना है। क्वेश्चन है हमारा 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, तो याद रखना कंद, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 12, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है आपका प्रकंद। क्वेश्चन है हमारा 13, अदरक क्या है? अदरक आपकी है राइजोम, राइजोम। क्वेश्चन है हमारा 14, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तना का, किसका? तना का। क्वेश्चन है हमारा 15, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे आपके कैप्टोगेम्स कहलाते हैं, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 16, क्या है संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये आपका रेफ्लिसिया द्वारा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 17, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प है वोल्फिया, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 18, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यह आपका पुष्प, क्या है? पुष्प। क्वेश्चन है हमारा 19, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? यह आपका है जिंक गो, जिंक गो, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 20, क्या है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेडिन किससे प्राप्त की जाती है? तो आपको बता देना है एफेडा से, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 21, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो याद रखना रिफ्लेसिया। क्वेश्चन है 22,
अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो याद रखना, प्रकाश की नहीं होती है, हवा की होती है, ताप की होती है, जल की होती है। क्वेश्चन है 23, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो याद रखना, साइकस में। क्वेश्चन है हमारा 24, क्या है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? ये आपका मूंगफली, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 25, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूण कोष, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हमारा 26, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, कीट द्वारा। किस द्वारा? कीट द्वारा। क्वेश्चन है 27, निषेचन प्रक्रिया किस में दिखाई देता है? तो याद रखना, अंगूर में। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 28, ताना काट कर आमतौर पर किस किस प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, गन्ना की। क्या होगा? गन्ना इसमें सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 28, क्या है, 28 हो गया 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो याद रखना, प्याज की, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 30, एक सत्यफल परिवर्धित होता है अंडाशय से, सी ऑप्शन सही है। 31, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? तो याद रखना, सेब। क्या होते हैं? सेब। क्वेश्चन है 32, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो याद रखना, फलों से, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 33, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना एक बीजीय फल है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 34, क्या है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का गुदेदार पुष्पासन खाया जाता है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 35, बीज किससे विकसित होते हैं? बीज आपके बीजांडों से विकसित होते हैं। क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो याद रखना, यह है आपके लीनियस साहब। क्वेश्चन है हमारा 37, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पीसीज, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 38, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? आलू आपका सोलेनेसी से संबंधित है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 39, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो याद रखना, मालवेसी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 40, बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन आपका सोलेनेसी कुल का पौधा है। क्वेश्चन है आपका 41, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 42, दलहन पौधे संबंधित हैं लेग्यूमिनोसी, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 43, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम है थियासाइनेंसिस, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 44, क्या है, मटर पौधा क्या है? मटर पौधा आपका साग है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 45, क्या है, लॉन्ग होता है एक शुष्क पुष्प कलिका, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 46,
फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का पुष्पक्रम खाया जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 47, पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है हमें? तो याद रखना, जड़ों से। क्वेश्चन है हमारा 48, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित निर्वित धान है? तो याद रखना, ये है आपका ट्रेटी केल। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 49, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। क्या है? डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है 50, तंबाकू की पत्तियों में होता है? तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन होता है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 51, क्या है भारत की प्रमुख धान फसल है? भारत की प्रमुख धान फसल है चावल। सी ऑप्शन सही है। 52, क्वेश्चन नंबर 52, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन है हमारा 53, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो याद रखना, सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। क्वेश्चन है हमारा 54, निम्नलिखित में से कौन से फल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं? तो ये आपकी मटर। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 55, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो याद रखना, छाल से। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 56, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल आपका चीड़ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है हमारा 57, लिटमस प्राप्त होता है? लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। क्वेश्चन है हमारा 58, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 59, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केसिका जल। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 60, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो यह आपके 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 61, पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होती है? तो याद रखना, मैग्नीशियम Mg की कमी से। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 62, बाष्पोत्सर्जन होता है सभी वायवीय भागों से? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 63, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 64, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो पूरे पौधे में। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 65, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? सूर्य का विकास, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, ये सभी। क्या होगा 165 का? डी। क्वेश्चन है आपका 66, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो याद रखना, ऑक्सीजन। क्वेश्चन है 67, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो याद रखना, केवल दिन में। क्वेश्चन है हमारा 68, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? श्वसन मापन यंत्र आपका रेस्पिरोमीटर कहलाता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 69, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 70, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 71,
पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, क्या नहीं है? सोडियम, बी ऑप्शन सही है इसमें। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है कैल्शियम फास्फोरस की, लेकिन सोडियम की नहीं होती है। क्वेश्चन है हमारा 72, क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो याद रखना, जल से। क्वेश्चन है हमारा 73, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है? ऑक्जेनोमीटर, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 74, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 75, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 76, पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 77, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो यह है आपका जिब्रेलिन, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 78, छुईमुई की पत्ती में गति होती है? कंपानुकुचन द्वारा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 79, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग आपका धान से संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा 80, खैरा रोग किसके कारण होता है? खैरा रोग आपका जस्ता की कमी के कारण होता है। किसकी? जस्ता की कमी के कारण। क्वेश्चन है हमारा 81, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो याद रखना, हरे शैवाल द्वारा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 82, नींबू का कैंसर रोग किसके कारण होता है? नींबू का कैंसर रोग जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन है हमारा 83, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग आपका सरसों से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 84, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? केसी मेहता साहब, क्या है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 85, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से। क्वेश्चन है हमारा 86, सेट्रस कैंकर है नींबू का एक रोग, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 87, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन सा है? तो याद रखना, ऑक्सीजन की कमी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 88, क्या है क्वेश्चन? पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो याद रखना, फ्लोएम द्वारा, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 89, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, जाइलम द्वारा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 90, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखना, वातावरण में ध्वनि को, क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 91, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? अनुवांशिकी, क्या है? अनुवांशिकी। क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो यह है आपके मेंडल साहब। क्वेश्चन है हमारा 93, क्या है? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया था, बी ऑप्शन सही है। जीन बने होते हैं, जीन्स बने होते हैं डीएनए के, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला 95, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये थे आपके खुराना साहब, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 96,
किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो याद रखना, वाटसन द्वारा। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 97। वो आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 98। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो याद रखना, रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन है हमारा 99। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो याद रखना, राइबोसोम में। क्वेश्चन है 200। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। क्या है? जल। ये ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके जीव विज्ञान से संबंधित 200 क्वेश्चंस। 201 से हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है।